सो वेलकम बैक टू अनदर रेल ब्लॉग। तो जो आज का ट्रैवल करने वाले हैं ट्रेन नंबर 12560 शिवगंगा सुपर फास्ट एक्सप्रेस, जो कि इंडिया कैपिटल दिल्ली को यूपी के बनारस को कनेक्ट करती है। ये पूरी जर्नी के दौरान 755 किलोमीटर का दूरी को 11 घंटे 3 मिनट में पूरी करती है। जर्नी के दौरान जो इसका एवरेज स्पीड होने वाला है वो होने वाला है 57 किलोमीटर पर आवर्स, और जो मैक्सिमम स्पीड होने वाला है इसका वो होने वाला है 130 किलोमीटर पर आवर्स। सबसे पहले चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 12 पे, जहाँ पे अपनी ट्रेन आने वाली है। उसके बाद मैं आपको इस ट्रेन का टाइमिंग शेड्यूल, इस ट्रेन से ट्रैवल करेंगे वो करेंगे स्लीपर क्लास में, जो सीट नंबर होने वाला है S25 नंबर बात, यानी मिडिल बर्थ से। तो भाई आगे प्लेटफॉर्म नंबर 12 पे ऑलरेडी हमारी ट्रेन लगी पड़ी है यार, और इसका सिंपल क्लास आगे। तो चलते हैं भाई, ऑलरेडी लग ही चुकी है हमारा, आधा घंटा पहले ही लग चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 12 पे। भाई ये रहा अपना कोच, ये चलते हैं कोच के अंदर। क्या कबाड़ा हो रखा है भाई, पूरा पानी पानी हो रखा है। हाँ क्यों पानी पानी हो गया सारा। भाई ये देखो कितना ज़्यादा कचरा हो रखा है, पूरा सीट मेरा पानी पानी से भीगा पड़ा है। ये भी ये देखो कितना ज़्यादा पानी है, इसमें भी पूरा पानी से भीगा पड़ा है। ऑलरेडी मैं ट्रेन के अंदर इंटर कर चुका हूँ और मैंने अपना बैग को दूसरे के पास रखा है, क्योंकि इतना मेरा मिडिल क्लास है तो अभी सारा ऑलमोस्ट सारे लोग चढ़े सोएंगे नहीं, खाना खाएंगे उसके बाद सोएंगे। तो मैं उसके बाद ट्रेन डिपार्चर दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको सीट पे चलूंगा डायरेक्ट। ट्रेन का जनरल क्लास दिखा देता हूं, क्योंकि अभी इस ट्रेन में टाइमिंग में बहुत चलने में टाइम है। तो सबसे पहले मैं आपको इस ट्रेन का टाइम जनरल क्लास दिखाता हूँ। हाँ इसका जनरल क्लास, और ये देखो हाल, गर्मी के दिनों का हाल है भाई। और ये ट्रेन ऐसी है ना कि कभी भी खाली नहीं जाती, इसकी जनरल क्लास हो या स्लीपर क्लास हो, ये ट्रेन में कभी सीट मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये देखो भाई कितना बुरा हाल है, बस बहुत मतलब खचाखच भरा पड़ा है भाई। चलो भाई चलते हैं इसके स्लीपर क्लास यानी अपने सीट के पास। और पहले इसका जो कोचेस हुआ करता था ना, वो हुआ करता था मतलब एक ही जनरल कोच हुआ करता था, अब इस टाइम पे ना 3 जनरल कोच हो गया, 5 स्लीपर कोच हो गया है, और 6 थर्ड एसी इकोनॉमिक, और 2 थर्ड एसी, 6 इसका सेकेंड एसी है, और 1 फर्स्ट एसी है। मतलब ये है इसका कुछ हालात, मतलब स्लीपर क्लास से ज़्यादा सेकेंड एसी है भाई, और उसके बाद इसका सबसे ज़्यादा थर्ड एसी इकोनॉमिक है। तो चलिए मैं आपको इस ट्रेन का टाइमिंग शेड्यूल, सबसे पहले चलता हूँ ट्रेन के अंदर उसके बाद बताता हूँ। चलिए अब चलते हैं अपने कोच में। तो चलिए भाई ये ट्रेन अपने ऑन द टाइम यहाँ से डिपार्चर हो चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 12 से। एकदम 8:05 पे यहाँ से डिपार्चर हुई अपनी से। चलिए मैं आपको इस ट्रेन का टाइमिंग शेड्यूल के बारे में बताता हूँ। तो ये ट्रेन 8:05 में यहाँ से डेली रन करती है, और आपको 755 किलोमीटर की दूरी को तय करने के बाद आपको नेक्स्ट डे 6:10 पर बनारस रेलवे स्टेशन छोड़ देती है।
बाकी चलते हैं अपने सीट पे मिडिल बर्थ। और भाई साहब मिडिल बर्थ का ट्रैवल ना मेरे को एकदम बकवास लगता है, ना आप सो पाते हो ना ढंग से आप कुछ पानी भी पी पाते हो, इतना बकवास लगता है। चलिए चलते हैं अपने मिडिल बर्थ पे। आप स्किप कर रहे हैं गाजियाबाद में, इतना ओवरलोड। चलिए सबसे पहले अपने मिडिल बर्थ पे चलता हूँ, ठीक है। गाजियाबाद को हमने क्रॉस कर दिया, सीट उतारता हूँ और मिडिल बर्थ पे चलता हूँ। उसके बाद एक ही बार कंटिन्यू 491 किलोमीटर चलेगी ट्रेन, उसके बाद कानपुर रुकने वाली है। मतलब इस ट्रेन का टोटल 3 स्टॉपेज होने वाला है, ओनली 3, कानपुर, इलाहाबाद, ज्ञानपुर, बनारस, खत्म। क्या ट्रेन है भाई, इतना लाजवाब ट्रेन है ना, बहुत। इससे मैंने बहुत ट्रैवल किया है, बस उसका कोई वीडियो वीडियो नहीं बना पाया हूँ, लेकिन आप भी इस ट्रेन का ट्रैवल करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। ये भाई वो ना तो प्रीमियम ट्रेन है भाई। तो चलिए चलते हैं अपने सीट पर डायरेक्ट। भाई ये रहा सीट अपना, चलिए ऑलरेडी भी सीट पर काम करते हैं। सो फाइनली 440 किलोमीटर का दूरी को तय करने के बाद हम पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का पहला ऑफिशियल हॉल्ट, कानपुर सेंट्रल के 6 नंबर प्लेटफॉर्म पे। ट्रेन का टाइमिंग था यहाँ पे पहुंचने का 1:00 PM, ट्रेन ऑन द टाइम पहुंची है। और यहाँ पे बहुत सारे बोर्डिंग भी हो रहे हैं, मतलब 1:00 भी बोर्डिंग हो रही है भाई, बहुत सारा बोर्डिंग। और 1:00 रात को कौन चाय बेचता है यहाँ पे, चाय 1:00 रात को भी चाय बेचा जा रहा है। ये देखो तो कानपुर सेंट्रल का, तो कानपुर सेंट्रल पे टोटल 10 प्लेटफॉर्म है, 422 ट्रेनों का हॉल्ट है, 36 ट्रेन ऑरिजिनेट और 36 ट्रेन टर्मिनेट होती है यहाँ से। 1:00 रात को भी खाने के लिए, चाय पीने के लिए बहुत सारा चीज़ है, इंतजाम जो आप कर सकते हो। चलिए अब हम यहाँ से पहले आपको डिपार्चर दिखाते हैं। यहाँ पे मात्र 5 मिनट का हॉल्ट है अपनी ट्रेन का, यहाँ डिपार्चर देखिए, उसके बाद हम मिलेंगे डायरेक्ट आपसे बनारस में। तो ए भाई हाँ सर बैठ रहे हैं अभी, तो अपने टाइम से 5 मिनट की हॉल्ट के बाद यहाँ से डिपार्चर हो चुकी है। एक 25 साल
सो गुड मॉर्निंग टू फ्रॉम बनारस भाई। फाइनली हमारे कोच में पानी नहीं था तो मैं अपना कोच छोड़ के S3 में आ गया था। इसमें पानी है सिर्फ, हमारे कोच में पानी नहीं है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू फ्रॉम बनारस। तो फाइनली 755 किलोमीटर का दूरी को तय करने के बाद हम पहुंच चुके हैं अपने लास्ट डेस्टिनेशन बनारस के 8 नंबर प्लेटफॉर्म पे। ट्रेन भाई ऑन द टाइम पहुंची है अपने 8 नंबर प्लेटफॉर्म पे। तो चलिए अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।